खबरों में बात करते हैं राजस्थान के भीलवाड़ा के, जहां पर मंडलगढ़ क्षेत्र में आज बनास नदी की त्रिवेणी संगम पर कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करने के दौरान 6 बच्चे पानी में डूब गए। इस हादसे में 1 बालक और 2 बालिकाओं की मौत हो गई। इस दौरान रेस्क्यू में बचाए गए 2 बालकों की हालत गंभीर होने से उनको उपचार के लिए जिला अस्पताल में पहुंचाया गया। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यह त्रिवेणी मेला भरा हुआ था। बलियास थाना क्षेत्र के 4 बच्चे अपने परिवारजनों के साथ आए थे, जिनमें से पैर फिसलने से 4 बच्चे डूब गए। इनको रेस्क्यू करके उनको निकाला गया, जिनको भीलवाड़ा रेफर किया, जिनमें से 2 बच्चों की डेथ हो गई और 2 बच्चे सुरक्षित। इनका प्राथमिक उपचार जारी है। अभी एक के और होने की जानकारी मिल रही है, वो बता रहे हैं उसके परिजन की एक बच्ची और गुमशुदा है, उसकी भी रेस्क्यू किया जा रहा है। परबतसर के ग्राम खोकर में एक नेपाली युवक की शनिवार को मौत हो गई थी। सूचना मिलने पर मेटता के पूर्व चेयरमैन अनिल थानवी ने परबतसर पहुंचे और पूर्व चेयरमैन द्वारा युवक को हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करवाया। वहीं पत्रकारों से बातचीत में अनिल थानवी ने बताया कि आज उन्हें 101वें शव को अंतिम संस्कार किया है, जिसमें 4 मुस्लिम शव को सुपुर्द खाक कर चुके हैं। यूपी के बुलंदशहर में सिख समुदाय द्वारा गुरु नानक जयंती का एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें गुरुजी की शिक्षाओं को विश्व भर में फैलाने का वचन लिया गया, जिसमें गुरुजी के एक मुख्य सूत्र को बताया गया कि मेहनत करके कमाओ, मिल बांट के खाओ, और समाज के सभी मनुष्यों को शांति से मिलकर रहने की शिक्षा भी दी गई है। श्री गुरु सिंह सभा बुलंदशहर लाल तालाब से आप सभी शहरवासियों को, सारे समाज को, सिख समाज को गुरु नानक देव जी के 550वें पावन गुरुपर्व की लाख लाख बधाइयाँ सबको हों। गुरु नानक देव जी के उपदेश कीरत करो, वर्ण छको, नाम जपो के सिद्धांत पर सिख समाज आज भी अग्रसर है। उनके द्वारा शुरू की गई लंगर की प्रथा समूचे विश्व में आज भी हर जगह निर्विघ्नता से चल रही है। उसमें किसी भी समाज के किसी भी तबके के लोगों का स्वागत है और वहाँ वो बैठ के अपना लंगर छक सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। नाम जपो, हर समय भगवान का नाम जपो, कीरत करो, मेहनत करके कमाओ और वंट छको, मिल बांट के खाओ, ये गुरु नानक देव जी की मूल मंत्र हैं जो उन्होंने विश्व में सब जगह फैलाए। उन्होंने अपने जीवन काल में 38,000 किलोमीटर की यात्राएँ पूरे विश्व भर में करी और मानवता का सब एक हैं, एक नूरते सब जग उपजिया, कौन भले सो मंदे का उन्होंने जहाँ पूरे संसार में फैलाया। आज उनका गुरुपूर्व है 550 साल, उस सबकी सब नगरवासियों को, सारे समाज को बधाई हो, धन्यवाद। खबरों में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव के, जहां पर माँ गंगा तट पर विराजमान है कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर हरदोई बॉर्डर से लेकर रायबरेली की सीमा तक पड़ने वाले दर्जनों माँ गंगा घाट पर भक्त अपनी निजी वाहनों से पहुंचे और देखते ही देखते लाखों भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। नाम क्या है? बलवीर। कहाँ रहने वाले हो? जमालुद्दीनपुर। आज कार्तिक पूर्णिमा पर तुम इसी तरह पैदल गए थे, विकलांग चल तो पाते नहीं हो? जी नहीं, हम चल नहीं पाते हैं। पैदल गए थे? जी। साइकिल नहीं मिला आपको? साइकिल है पर टूट गई है, हल्की बोलती पानी गए नहाने। वहाँ से परियार से नहाने गए पैदल 18 किलोमीटर। जी मतलब करीबन 3-4 किलोमीटर पैदल वाला। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान चल रहा है तो किस तरह के व्यवस्था के इंतजाम करे गए, कैसे क्या करते हैं? कार्तिक पूर्णिमा जो स्नान यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर हम लोगों ने, हम और युवा साहब और पुलिस प्रशासन मिल करके सारी व्यवस्था मुकम्मल किया है और इनको स्नानों पर जो भी हम लोगों ने स्नान घाटों पर बैरिकेडिंग कराई है और महिलाओं के लिए बस बंधन के लिए स्थान ही बना रखा है ताकि इनको पर्दे में अपना स्नान करके अपना कपड़ा बदल लें और पुलिस बूथ भी बना रखे हैं कि ताकि वहाँ पर कोई घटनाएँ हों तो पुलिस देख करके कोई कार्रवाई कर सके। इसके अलावा नाव की व्यवस्था कराई गई है, जहाँ जहाँ पर हमारी बैरिकेडिंग है अंदर, वहाँ पर कोई भी आदमी अगर डूब जाए तो उसे तुरंत बचाया जा सके। गोताखोर भी लगे हुए हैं तो सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है और अभी तक जो नावन चल रहा है गंगा स्नान वो शांतिपूर्वक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। लगभग कितनी भीड़ आती होगी? लगभग 25,000 से 30,000 ऐसा अनुमान है कि आएगा, और भी भीड़ बढ़ सकती है, 50,000 तक हो सकता है, लेकिन जो अनुमान है वो 50,000 तक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 50,000 तक लोग आने की संभावना यहाँ पर है। स्वास्थ्य विभाग की लगातार मिल रही शिकायतों को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने मेरठ के जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, जहां पर खामियां पाए जाने पर उन्हें अपनी नाराजगी जाहिर की और मरीजों को सही इलाज के निर्देश देकर CMS को दिए गए। आज जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, क्या भी खामियां यहां पर मिली और क्या निर्देश अभी तक? जिला अस्पताल का निरीक्षण हम जब करते हैं तो मूलत
पहले उसमें पूरी व्यवस्था को देखने के बाद उसमें क्या कमियां आती है, मैन पावर की कमी है या दवाइयों की कमी है या कोई मशीन ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि इतना बड़ा चिकित्सालय जब चलता है जिले स्तर पर तो उसमें सबसे ज़्यादा पेशेंट वहीं पर आते हैं, CHC से लेके जो गाँव से रेफर भी होते हैं तो सबसे ज़्यादा जिले पर ही सबसे प्रेशर होता है। तो जिला का अस्पताल अच्छी तरह चले उसको देखना जरूरी होता है, और यहाँ के जो परिसर के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट जिस तरह से डॉक्टर उपलब्धता है, और अभी आप बता भी रहे हैं कि डॉक्टर की कमी भी है, फिर भी जितने भी डिपार्टमेंट में हम लोगों ने जाके देखा है पूरा अभी 1-2 घंटे से, उसमें काफ़ी ठीक तरह से पेशेंट्स को देखा जा रहा है, उनका उपचार भी हो रहा है और काफ़ी सुविधा यहाँ पर है, और ये नेशनल लेवल पर इसका एक्रेडिटेशन भी हो चुका है, इनको अवार्ड भी मिला है ब्लड बैंक में, तो एक हिसाब से इसकी व्यवस्था बहुत अच्छी भी चल रही है। मंत्री जी, एक सवाल मेरा ये है, आपको जिस तरीके से यहाँ पर मरीज परेशान होते हैं ना तो ब्लड मिल पाता है, आजकल आप देख रहे हैं कि डेंगू का प्रकोप ज़्यादा है, या प्लेटलेट्स कम होने के लिए एक पानी आता है जो मिलता है ब्लड बैंक से, वो यहाँ पर कल नहीं मिला एक मरीज को, उसके बाद वहीं से वो अस्पताल से मरीज लेने के लिए आता तो 2,500 रुपये लेके उसको मिल जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? अब ये तो आप बता रहे हैं, मैंने अभी ब्लड बैंक इंस्पेक्शन किया, वहाँ प्लाज्मा की भी पूरी है, कोई कमी नहीं है, और वहाँ प्लेटलेट की भी कोई कमी नहीं है, 3 पेशेंट आज आपके वहाँ पर है ही, वहाँ पर भर्ती हैं, और टोटल आपके कितने पेशेंट हो गए थे? 67 पॉजिटिव केसेस जो आए थे यहाँ पर डेंगू के, सबको आवश्यकता अनुसार यहाँ पूरा प्लेटलेट मिलता है। मेरे सामने तो अभी जितना आया था, पेशेंट से भी मैंने बात किया, कहीं कोई कमी तो नहीं आ रही है, कोई पर्टिकुलर केस में आपको आया होगा तो आप रेफर कर दीजिए, इनको दे दीजिए, यहाँ पर डॉक्टर साहब देखेंगे। अभी तक तो यहाँ से तो बाहर भी जाता है आपका प्लाज्मा, ये ब्लड बैंक को तो पुरस्कृत भी किया गया। मैं आप यही मेरा कैमरा मैन है, ये अपने भाई के लिए प्लाज्मा यहाँ लेने के लिए आया, इसको साफ तौर पर यहाँ मना कर दिया गया, लेकिन यही अगर मुस्कान हॉस्पिटल से वहाँ पे उन्हें 2,500 रुपये दिए तो PL शर्मा अस्पताल से तुरंत प्लाज्मा मिल गया। हमारा प्लाज्मा का सिस्टम अलग है, प्राइवेट वाले अपना प्लाज्मा निकालते हैं, उनके भी तो वहाँ पर मशीन होंगे, वो अपना निकालते होंगे। आप लिखवा के भेजिए ना, आपका कैमरा मैन का भाई अगर गया होगा तो जब तक वो लिख के नहीं देगा तो ये कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने कंप्लेंट किया कि नहीं कंप्लेंट किया, ये तो स्पेसिफिक केस आप बता रहे हैं, और स्पेसिफिक केस के लिए आपको लिख के देना पड़ेगा यहाँ के अधीक्षक को, तो वो अपना देखेंगे, अगर उसमें उसका सील लगा हुआ है तो उसको कार्रवाई होगी फिर, अगर यहाँ से बेचा जा रहा है। और क्या क्या आपको आपने और क्या बताया? नहीं देखिए, एक पत्रकार के रूप में आपका अधिकार है बहुत सारे प्रश्न पूछने के लिए, मगर आप लोग मैं देखता हूँ हमेशा ये पूछते हैं कि खामियां क्या मिलती हैं। अगर 22 करोड़ की आबादी में सीमित संसाधन के द्वारा हम इतने बड़े आबादी को हम किसी तरह उपचार दे रहे हैं तो खामियां तो क्यों नहीं होगी, कमियां तो कहीं ना कहीं होगी, जब हमारे पास 7,000 डॉक्टर की कमी है, हमारे पास बहुत सारे संसाधनों की अभी भी कमी हो रही है, फिर भी हम उस अस्पताल के यहाँ जितनी भी हमारी संख्या आ रही है लगभग साल में मुझे लगता है OPD 4 से 5 लाख की OPD हो रही है यहाँ पर, और इसी तरह आपका ये तो मेरठ है, पूरे प्रदेश का आप जोड़ लीजिए अगर अंदाज से, तो कितना OPD हम करते हैं, कितने उसमें उपचार कर रहे हैं, कितने ये दवाइयाँ बांट रहे हैं, कितने हम टेस्ट कर रहे हैं, कितने ब्लड का हम दे रहे हैं, ये सारी चीज़ को लेके एक बहुत बड़े तादाद को हम पूरा उपचार भी करा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। डॉक्टरों की कमी तो यहाँ पे है, डॉक्टर की कमी है, इसीलिए मेडिकल कॉलेज भी खोले जा रहे हैं और बहुत जल्दी खोले जा रहे हैं, 29 मेडिकल कॉलेज हम लोग ने अलग अलग योजना है। देखिए एक HSSB योजना जो चल रही थी वो वर्ल्ड बैंक का योजना था, वो 2012 से 2017 का था, वो समाप्त हो गया, 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया, वो एक अस्पतालों में कमी की वजह से जो नियुक्ति नहीं हो रही थी उसको स्ट्रेंथन करने के लिए बनाया गया था, अब उसका समय समाप्त हो गया है, तो उसके जगह पर दूसरा फिर आ जाएंगे, फिर हम लोग अपना लोक सेवा आयोग से ला रहे हैं, अधीनस्थ सेवा आयोग से ला रहे हैं, जितने भी हमारे पद सृजन होंगे उनको हम भरेंगे, परमानेंट स्ट्रक्चर और हम बढ़ाएंगे उसमें। ये क्या मेरा नाम अबरार अहमद खान। आपने जो फ़ोन कराया हमें और बताइए इसमें से क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? मुझे मेरे पेशेंट के लिए PC की ज़रूरत थी और प्लेस काउंटिंग की, लेकिन मैं प्यारे लाल गया हूँ, वहाँ पर मुझे बोल दिया गया कि ये अवेलेबल नहीं है इस ग्रुप का, लेकिन 1 घंटे बाद ही यहाँ हॉस्पिटल के स्टाफ वाला जाके लेके भी आ गया, तो ऐसा क्यों हुआ? आपको कन्फर्म है कि वो प्यारे लाल से ही लाया? या मेरे पास रैपर है, सब कुछ है उसका। कितने पैसे फालतू लिए उन्होंने आपसे? ये मेरे से दो यूनिट के 2600 रुपये, 2 यूनिट और 2600 या 1300 रुपये पर यूनिट। 1300 रुपये पर यूनिट।